हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं दोस्तों फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। प्रकाश का चौथा पार्ट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं आपसे, हो सके तो प्लीज इसे पूरा कीजिएगा। दोस्तों, आपके आस पड़ोस में वैसे बच्चे होंगे जो 10th क्लास में होंगे, 12th में होंगे, 11th में होंगे, और दोस्तों उनके पास आर्थिक समस्या होगी या जो भी समस्या होगी, उस समस्या के कारण अगर वो क्लास नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ उन्हें हेल्प कीजिए। आस पड़ोस के बच्चे को इकट्ठा कीजिए दोस्तों, क्योंकि गरीबी दोस्तों अभिशाप है अभी का। और दोस्तों, गरीबी के कारण अगर वो क्लास नहीं कर पा रहे हैं या किसी भी समस्या के कारण अगर वो क्लास नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों, तो आप लोग हेल्प कीजिए। आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, जितना भी हेल्प हो पाए, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, फिजिक्स आप सीख रहे हैं, आपको नॉलेज हो रहा है प्रकाश लेसन का। और दोस्तों, यह लेसन या NCERT से मैं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, और ये जो लेसन पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, 10th में पढ़ना है, 9th में पढ़ना है, 11th में पढ़ना है, 12th में पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। मैं पूरा साइंस पढ़ाऊंगा दोस्तों, सभी में पढ़ना है। और दोस्तों, आपके आस पड़ोस में जो बच्चे हैं 10th क्लास में, 11th में, 12th में, उनको इकट्ठा कीजिए और इकट्ठा करके दोस्तों उनको कुछ सिखाइए, उनको समझाइए दोस्तों, उनको जो भी सहायता मिल जाए। अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों पढ़ाइए मुफ्त में, या फिर आपका जो बने वो लीजिए, लेकिन दोस्तों हेल्प जरूर कीजिए। इससे फ़ायदा क्या है दोस्तों? फ़ायदा ये है, आपका भी मजबूत हो जाएगा, आप जो सीख रहे हैं आप उस पर दिमाग लगेगा। आप तो खुद पढ़ लेते हो दोस्तों, फिर होता है क्या, कुछ समय के बाद भूल जाते हो। आप ऐसे मत कीजिए, आप खुद पढ़िए फिर दूसरे को सिखाइए दोस्तों। दूसरा को सिखाने के लिए दोस्तों अपना माइंड पर जोर देना पड़ता है। अपना माइंड पर जब जोर दीजिएगा दोस्तों, आपका माइंड ग्रोजअप भी करेगा, बढ़ेगा भी। और बढ़ेगा मतलब ये नहीं कि 250 का है तो 300 ग्राम का हो जाएगा, बढ़ेगा ऐसा नहीं कि दोस्तों मतलब, या फिर 1 फीट बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं, मतलब समझ रहे ना, माइंड थोड़ा सा ग्रोजअप करेगा, बढ़ेगा। और दोस्तों, उनके फायदा भी हो जाएगा उन सारे बच्चों को। इसलिए दोस्तों, मेरा निवेदन है आपसे, विशेष आग्रह भी है प्लीज़, या हो सके मानते हैं तो दोस्तों मेरा ऑर्डर भी है, आदेश भी है कि प्लीज़ ऐसा कीजिए। वैसे बच्चों को सुकून मिलेगा, वैसे बच्चों को फ़ायदा होगा, क्योंकि दोस्तों सब पढ़े ना यूनिसेफ में दोस्तों। इसीलिए मेरा निवेदन है आपसे। और हाँ दोस्तों, एक शिकायत थी आप लोगों से, वो कुछ एक बच्चे जुड़े हुए हैं हमसे, जो कुछ दिन पहले कमेंट्स भी किया करते थे कि ट्रिक से पीछे से नहीं निकलता। उनको मैंने बताया भी था कि दोस्तों, मैं ट्रिक नहीं बताता हूँ, मैं पूरा लेसन पढ़ाता हूँ, पूरा मैं कोर्स बताता हूँ, पूरा डिटेल में बताता हूँ। और शायद वो नाराज़ हैं हमसे, जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ एक डिसलाइक सबसे पहले कर देते हैं वो, और कमेंट भी किए थे कि मैं हमेशा डिसलाइक करता रहूँगा। दोस्तों, अच्छा बात है, आपका जो इच्छा करें, मैं तो प्रेशर नहीं दूंगा कि आप मेरा वीडियो देखिए, आप मेरा वीडियो लाइक कीजिए। दोस्तों, मैं आप लोग से, जितना लोग हमसे प्यार करते हैं, हमसे जुड़े हुए हैं या फिर फॉलो करते हैं हमें दोस्तों, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग को अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ बस अंगूठा उठाना दोस्तों और लाइक दबाना है। लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए दोस्तों, वैसे लोगों के पास पहुँचे जिनके पास समस्या है, जो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं दोस्तों, उनके लिए मैं खास की मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों। आज मुझे माउथ अल्सर है, शायद आपको ध्यान दे रहे होंगे तो पता चला होगा, मुझे बोलने में तकलीफ हो रही है, माउथ अल्सर है, कुछ दिनों से है, पहले से है, छूट गया था फिर हो गया, माउथ अल्सर बार बार हो रहा है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों बोलने में समस्या हो रही है, फिर भी मुझे टेंशन है। आप लोग का एग्जाम काफ़ी नज़दीक है दोस्तों, इसलिए मैं आज वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ऐसे मैं आज वीडियो अपलोड करने के मूड में नहीं था, फिर भी कर रहा हूँ दोस्तों, कल भी नहीं हो गया था वीडियो अपलोड, फिर भी मैं कर रहा हूँ। प्लीज़ दोस्तों, आप लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक से मेरे अंदर एनर्जी आती है। और दोस्तों, ज्ञान तो है ही मेरे पास लगभग, मतलब ठीक ठाक है, उतना है कि दोस्तों मैं अपना सर्वाइव कर सकता हूँ, इतना नॉलेज है मेरे पास दोस्तों। मैं इस नॉलेज को बांटना चाहता हूँ, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों। ऐसा शेयर करने की जो शक्ति होती है, वो क्षमता होती है, वो अद्भुत क्षमता आप ही दे सकते हैं। कैसे दोस्तों? लाइक करके, कमेंट्स करके, मेरा प्रेरणा बढ़ा के। इसलिए दोस्तों प्लीज़ प्रेरणा जरूर बढ़ाएं दोस्तों। चलिए मैं आज टॉपिक पर बात करता हूँ, मैं ज़्यादा विशेष बात नहीं करता हूँ, चलिए टॉपिक पर बात करता हूँ दोस्तों। लेंस क्या होता है, आज मैं जो बात करूँगा दोस्तों, लेंस के बारे में बात करूँगा। लेंस कैसे होते हैं, लेंस कैसे बनते हैं, लेंस के कितने प्रकार हैं, लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेंस में वस्तु को कहाँ रखेंगे तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों, मैं सारा टॉपिक पर आज बात करूँगा। लेंस की क्षमता क्या होती है, लेंस की क्षमता की मात्रा क्या होता है, लेंस को पानी में रखने पर उसकी क्षमता बदलती है कि घटती है कि बढ़ती है दोस्तों, सारा फैक्ट्स में बात करूँगा दोस्तों। इस टॉपिक से दोस्तों हज़ारों सवाल उत्पन्न होते हैं, और जिसमें से लगभग 150 सवाल तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों यकीन रखें, मैं हज़ारों सवाल को क्लियर कर दूंगा दोस्तों, तो फिर 150 सवाल का क्या औकात है। चलिए मैं चलता हूँ, लेंस क्या होता है दोस्तों। लेंस कांच का वैसा सतह होता है, वैसा गोला होता है, वैसा खोखला भाग होता है दोस्तों, जिसका कोई एक सतह वक्र जरूर होता है। जैसे दोस्तों मैं बात करूँ, ये उत्तल लेंस है, ये अवतल लेंस है, ये समतलोत्तल लेंस है। देखिए दोस्तों, एक सतह इसका टेढ़ा है ना, ये दोनों सतह टेढ़ा है ना, दोनों सतह टेढ़ा है ना दोस्तों, वैसा कांच का खोखला गोला जिसका कोई एक सतह वक्र जरूर हो सकते तो दोस्तों सभी सतह वक्र हो सकता है, लेकिन कम से कम एक सतह वक्र जरूर हो, उसे लेंस कहते हैं दोस्तों। लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं उत्तल लेंस, एक होते हैं अवतल लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस कहते हैं दोस्तों, उत्तल लेंस कहते हैं वैसा लेंस को दोस्तों, वैसा लेंस को जिसके किनारे पर पतला हो, देख लीजिए
जिसके किनारे पर पतला हो और बीच में मोटा हो उसे उत्तल लेंस कहते हैं, और वैसा लेंस जिसके किनारे पर मोटा और बीच में पतला हो उसे अवतल लेंस कहते हैं। दोस्तों दोनों का डायग्राम समझिएगा आप, डायग्राम में समझा देता हूँ। दोस्तों होता क्या है, दोस्तों समझिए, उत्तल लेंस जो है इसके ठीक बीच में रेखा गुजरती है जिसे प्रधान अक्ष कहते हैं। इसके दोनों तरफ दोस्तों दो एफ होता है, एफ और एफ, इसको बस आप याद रखिएगा, एफ और एफ, वन वन टू टू दोस्तों, वन एफ टू आई एफ टू। दोस्तों आप सोचिएगा दोनों तो सेम है, अंतर क्या है, तो अंतर मैं कर देता हूँ दोस्तों। इसके आगे एक रहने दीजिए, इसके आगे दो लगा दीजिए तो लिखा नहीं जाता है, इसके आगे एक रहने दीजिए, इसके आगे दो लगा दीजिए तो एक तो लिखा नहीं जाता है। दोस्तों ये हो गया उत्तल लेंस का डायग्राम, इसको आप याद कर लीजिएगा। और एक मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों अवतल लेंस का डायग्राम के बारे में, तो अवतल लेंस है दोस्तों, इसे प्रधान अक्ष कहते हैं। और ठीक दोस्तों लेंस के ठीक बीच से एक रेखा काट दीजिए, गुजार दीजिए, तो उस रेखा जो इस रेखा को जहाँ काटती है उसे सूर्य कर दिए, वो इसी कहा जाता है प्रकाशीय केंद्र। ठीक है दोस्तों, एक एफ एक एफ फिर एक एफ फिर एक एफ, दोस्तों वन वन टू टू, वन टू और वन टू, आ रहा है दोस्तों समझ में, टू एफ वन एफ टू टू एफ टू। ठीक है, ऐसे डायग्राम आपको बनाना है दोस्तों। अगर एक डायग्राम अगर आप सीख गए दोस्तों तो इस पूरा लेसन को, पूरा आज का लेसन को मैं पूरी अच्छी तरह से बता दूंगा। प्लीज़ दोस्तों डायग्राम जरूर सीख लें। एक बार और मैं मेंशन कर रहा हूँ दोस्तों, मतलब टू एफ वन एफ वन एफ टू टू एफ टू, एफ वन टू एफ वन एफ टू टू एफ टू, सिंपल है दोस्तों। और बीच में वो इधर दोस्तों अनंत होता है और इधर भी दोस्तों अनंत होता है, सेम इसमें भी इधर अनंत होता है, इसमें भी अनंत होता है। अब एक बात और दोस्तों याद रखिएगा, जब उत्तल लेंस से प्रकाश को गुजारा जाता है तो सारा प्रकाश उत्तल लेंस एक बिंदु पर ले जाके काट देती है, और एक बिंदु पर मिलाने की घटना को फिजिक्स में अभिसारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, अभिसारी, इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। मैंने लिखा, देखिए उत्तल लेंस को क्या कहते हैं दोस्तों, अभिसारी लेंस। अभिसारी मतलब ही होता है दोस्तों सभी प्रकाश को एक बिंदु पर मिलाना, मिलाने की घटना को अभिसारी कहते हैं। ठीक है, मिलाने की घटना को अपसृत कहते हैं, लेकिन जो मशीन मिला दे उसे कहता है, कहा जाता है अभिसारी। ठीक है दोस्तों, अपसारी अवतल दर्पण क्या करते हैं, अवतल दर्पण अवतल लेंस से जब प्रकाश को गुजारिएगा तो सारा प्रकाश को दोस्तों हिला देता है, इसीलिए इसे कहा जाता है अपसृत। और अपसृत से उत्पन्न हुआ है दोस्तों, अपसृत से उत्पन्न हुआ है अपसारी। ठीक है दोस्तों, अब एक बात और, आप दर्पण देख लीजिएगा, दर्पण से ठीक उल्टा है। दर्पण में दोस्तों, दर्पण में उत्तल दर्पण को कहा गया था अपसारी और अवतल दर्पण को कहा गया था अभिसारी, लेकिन इसमें उत्तल को कहा गया अभिसारी और अवतल को कहा गया अपसारी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, क्यों कहा जाता है, मैंने बता दिया सभी प्रकाश को एक बिंदु पर मिला देता है इसलिए अपसारी कहते हैं, और अवतल क्या करता है सभी प्रकाश को फैला देता है इसलिए उसे क्या कहते हैं दोस्तों, अपसारी। मैंने क्लियर कर दिया दोस्तों। अब मैं बात करूंगा दोस्तों उत्तल लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनता है, कब बनता है दोस्तों, सारा फैक्ट्स बात करूंगा। और प्लीज़ इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखें, इसको मैं आज तक आप लोग कभी नहीं समझे होंगे कि प्रतिबिंब कैसे बनता है, कहाँ बनता है, किरण आरेख खींचोगे इधर उधर इधर उधर। जो लोग साइंस से होंगे उन्हें तो शायद समझ में आ जाएगा जल्दी, जो आर्ट से होंगे दोस्तों उनके लिए भी मैं खास कुछ दोस्तों हार्ड में बताने वाला हूँ, बहुत मज़ेदार तरीके से बताने वाला हूँ। इनर्जिकल होइए, एनर्जी लाइए अपने अंदर, एनर्जी लाइए और सोच लीजिए कि आज हमको सीख लेना है, आज के बाद फिर कभी इस टॉपिक के बारे में ज़्यादा हमको सोचना नहीं, क्योंकि आज हमको आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा सोचिए, एकदम कंप्लीट करता हूँ मैं। और इसके दोस्तों प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि फिर अगला वीडियो को मैं बड़े चाव से बना पाऊँ। प्लीज़ कमेंट्स जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद मैं दोस्तों बताऊंगा लेंस की क्षमता क्या होती है, लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है, लेंस की क्षमता कैसे घटता है, कैसे बढ़ता है, साबुन का बुलबुला कैसे काम करता है दोस्तों, मैं सारा बात बताऊंगा। बुलबुला है, बुलबुला जो है ना, मतलब साबुन का बुलबुला कैसे काम करता है दोस्तों, मैं सब बताऊंगा। चलिए चलता हूं, देख लीजिए दोस्तों डायग्राम पे बात करता हूं, डायग्राम पे देखिए तो दोस्तों यहां डायग्राम है दोस्तों, मान लीजिए मैं फिर डायग्राम बता देता हूं जल्दी से दोस्तों। उत्तल लेंस है, ठीक है, ये गया प्रकाश, ये दोस्तों हो गया एफ वन, ये हो गया दोस्तों एफ टू, ये हो गया दोस्तों एफ टू, सॉरी सॉरी एफ वन एफ टू और दोस्तों एफ टू, एक साइड में एफ टू टू, एक साइड में एफ वन वन, ये टू हो गया दोस्तों, टू हो गया दोस्तों। आपको बस इतना सीखना है, एक बात और सिखा रहा हूँ मैं दोस्तों, इतना सीख लीजिए आगे आपको खुद समझ में आ जाएगा। आपको बस ये सीखना है कि वस्तु हम कहाँ कहाँ रखेंगे, सिंपल सा बात है दोस्तों। मैंने बताया है कि मैंने सिंपल सा बात बताया, कहाँ कहाँ वस्तु रखेंगे दोस्तों, तो एक जो पॉइंट हो उस पर रखिएगा, फिर उसके बाद जो अगला पॉइंट हो और उस पॉइंट के बीच में रखिएगा। जैसे देखिए एक पॉइंट है और एक पॉइंट है, तो पहले दोस्तों वस्तु इस पे रखेंगे और इसके बाद दोस्तों फिर कहाँ रखेंगे, इस वस्तु को थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो इसके इसके बीच में रखेंगे, फिर इस पे रखेंगे, फिर इसके इसके बीच में रखेंगे, यहाँ पे तो पॉइंट है ना वो दोस्तों। एक बात और मैंने बताया कि टू एफ के पहले क्या है, ये तो टू एफ है, टू एफ है वन, इसके पहले दोस्तों क्या है अनंत, और इसके बाद दोस्तों क्या है अनंत, तो सबसे पहले वस्तु कहाँ रखेंगे अनंत पर, उसके बाद कहाँ रखेंगे अनंत और टू एफ वन के बीच में, फिर कहाँ रखेंगे टू एफ वन पर, फिर टू एफ वन और एफ वन के बीच में, फिर कहाँ रखेंगे दोस्तों एफ वन पर, फिर एफ वन और ओ के बीच में, वस्तु यहाँ इतना रखेंगे।
आ रहा है दोस्तों समझ में? कोई समस्या है, कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत है? नहीं, चलिए आ रहा है दोस्तों समझ में? चलिए अब सिंपल सा बात है, अब आगे मैं चल रहा हूँ, क्या कोई दिक्कत? बस इतना आपको सीखना आ गया। देखिए मैंने लिखा भी है उत्तल से प्रतिम कहाँ कहाँ बनेगा दोस्तों। तो सबसे पहले वस्तु कहाँ रखेंगे? अनंत पर। वो उसके बाद दोस्तों अनंत और ट्वेल्व के बीच में, क्योंकि अनंत है अनंत और ट्वेल्व के बीच में, तो अनंत को सूचित ऐसे करते हैं अनंत और ट्वेल्व वन के बीच में। फिर दोस्तों ट्वेल्व वन पर, देखिए ट्वेल्व वन पर मिलाइए, फिर ट्वेल्व वन और एफ वन के बीच में, ट्वेल्व वन और एफ वन के बीच में, फिर दोस्तों एफ वन पर, फिर एफ वन पर, फिर दोस्तों एफ वन और ओ के, इसको वो कहते हैं ओ के बीच में, तो एफ वन और ओ के बीच में मैंने रख दिया। चलिए अब मैं एकदम रियलिटी फैक्ट्स पे बात करता हूँ दोस्तों, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। प्रतिमा कहाँ कहाँ बनेगा दोस्तों? लेंस डायग्राम एफ वन एफ टू सॉरी एफ वन एफ टू एफ टू 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 अनंत अनंत है। चलिए सिंपल सा बात, मैंने वस्तु कहाँ रखना है? अनंत पर। वाओ अनंत पर रख दिया मैंने। फोटो कहाँ बनेगा? सिंपल है दोस्तों, सिंपल सा बात है, याद रखिएगा, याद रखिएगा बात मैं बता रहा हूँ दोस्तों, कि अगर इस साइड मतलब सोच लीजिए दोस्तों, सोच लीजिए कि बाइलेंसिंग जरूरी है, ठीक है? समीकरण आप जानते हैं, समीकरण जानते हैं दोस्तों। सिंपल सा बात सोचिए, सिंपल सा बात सोचिए, आपके पास दो पॉकेट है, ठीक है? दो पॉकेट है, दोनों पॉकेट में दोस्तों एक जो मतलब या सिंपल सा दो हाथ है मेरे पास, ठीक है? दो हाथ है मतलब सबके पास दो हाथ होते हैं यार, मेरे पास भी है, ठीक है? एक पे मान लीजिए मेरा कंट्रोल नहीं है दोनों हाथ में, ठीक है? दोनों हाथ में कंट्रोल नहीं है, और एक साइड हम रख दिए, एक साइड रख दिए 5 किलो, और एक साइड रख दिए दोस्तों 1 किलो, तो क्या होगा? 5 किलो वाला पलड़ा भारी नीचे झुकेगा और 1 किलो वाला पलड़ा हल्का ऊपर उठेगा। दोस्तों हमको बैलेंस करना है, इस जो रूल है दोस्तों, ट्रिक क्या है इसमें, बैलेंसिंग ट्रिक क्या दोस्तों? हम इधर जहाँ रखेंगे दोस्तों पड़ती में, उसमें उधर ही बनेगा, लेकिन कहाँ बनेगा ध्यान रखिए। नंबर आपको देखना है दोस्तों, नंबर दोस्तों याद रखना है क्या, कि दोस्तों एक नंबर अनंत है, दो नंबर ये है, तीन नंबर ये है दोस्तों, ऐसे बस आपको याद रखना है। आप जल्दी से जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आए आप डायग्राम खींचिए, और डायग्राम खींचिए सबसे पहले क्या, अनंत में वस्तु रखें, तो लेंस के इधर में सबसे पहले एक नंबर पर अनंत है, वो नंबर पर सोचिए सबसे पहले, लेंस के सबसे पहला नंबर क्या है दोस्तों? एफ वन है, ओहो एफ टू है, तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। देखिए मैंने वस्तु कहाँ रखा दोस्तों? अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बना? एफ टू पर, पहला तो मैंने लिख दिया अनंत पर, फोटो कहाँ बना? एफ टू पर, कंप्लीट, ठीक है? चलिए दोस्तों मैं ज़्यादा भी पिछले बताता हूँ कि बहुत सारे लोग हमसे ऐसे जुड़े हुए हैं जो आईएएस का तैयारी करते हैं, पीसीएस का तैयारी करते हैं दोस्तों, और मतलब हर स्टेट का अलग अलग क्वेश्चन का पैटर्न होता है दोस्तों, इसलिए मैं ज़्यादा डीप बता रहा हूँ दोस्तों। ऐसे ये सब थोड़ा सा टफ हो जाता है, और ये सब ज़्यादा एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों जो आईएएस का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उनका भी सपना न टूटे, और वो लोग अपना वहाँ पर अगर भरोसा किए दोस्तों, तो मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा, लेकिन उनका भरोसा मैं तोड़ टूटने नहीं दूंगा, इसलिए दोस्तों मैं ज़्यादा टफ टफ बात को भी ईजी तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। प्लीज़ फिर बोलना, पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों अनंत पर रखा, तो इस पर बना प्रतिबिंब, चलिए अनंत पर मैंने रख दिया। अब कहाँ पढ़ूंगा दोस्तों? अनंत से थोड़ा आगे, तो अनंत के आगे ट्वेल्व वन के बीच में, तो यहाँ पर प्रतिबिंब कहाँ था? एफ टू पर, तो दोस्तों ये भी याद पड़ेगा। याद रखिए दोस्तों ये मेढक है, बेंग है, मेढक है और ए भी मेढक है, जितना ए उछलेगा उतना ए भी उछलेगा, तो दोस्तों ये कितना उछला? आधा, अनंत था ट्वेल्व वन था तो आधा उछला, तो भी कितना उछलेगा? आधा, तो आधा एफ टू टू एफ टू के बीच में दोस्तों, तो देख लीजिए एफ टू टू एफ टू के बीच में, तो एफ टू टू एफ टू के बीच में मैंने लिखा है। चलिए कंप्लीट हो गया दोस्तों। उसके बाद कहाँ गया दोस्तों? फिर आधा उछलेगा, तो टू एफ वन पर वो, तो फिर आधा उछलेगा, तो टू एफ टू पर, तो टू एफ वन पर, टू एफ टू पर, आ रहा है दोस्तों समझ में? और दोस्तों एक बात और याद रखिएगा, जहाँ दोनों लगभग टू एफ हुआ, वहाँ वस्तु का प्रतिबिंब दोस्तों समान साइज का होता है, इस बात को याद रखिएगा, समान साइज का होता है। एक क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है? चलिए फिर ये आधा उछलेगा तो कहाँ आएगा? एफ वन पर, फिर आधा उछलेगा तो इसके बाद तो कुछ नहीं है, तो ये कहाँ आएगा दोस्तों? टू एफ टू और अनंत के बीच में, क्योंकि इसके बाद तो अनंत है ना, तो अनंत के बीच में, तो दोस्तों प्रतिबिंब फोटो मैंने कहाँ रखा? टू एफ वन और एफ वन के बीच में, तो टू एफ वन और एफ वन के बीच में, तो फोटो कहाँ बनेगा दोस्तों? अनंत और टू एफ वन के बीच में, टू एफ टू के बीच में, ठीक है दोस्तों? आप लोग खुद मैनेज कर लीजिएगा, समझिए बात को और खुद बना के प्रयास कीजिएगा। उसका दोस्तों मैंने ये आधा फिर उछलेगा, कहाँ जाएगा दोस्तों? एफ वन पर, तो आधा उछलेगा तो एफ वन पर, तो ये भी दोस्तों बीच में था, टू एफ टू अनंत के बीच में था, अब उछल के कहाँ जाएगा दोस्तों? अनंत पर, तो अनंत पर गया। और अब जो फैक्ट है दोस्तों, ये लेंस है, लेंस के ठीक बीच में वो है, फिर आधा उछल के जाएगा एफ वन और ओ के बीच में, एफ वन और ओ के बीच में, तो दोस्तों ये फिर उछल के कहाँ जाएगा दोस्तों? लास्ट अनंत पर, सॉरी अनंत हो चुका है। अब ये सोचेगा भाई उधर तो रास्ता है नहीं, उधर तो खाई है, कहाँ जाए? अब ये सोचेगा वो उधर कोई उपाय नहीं, मैं अपना प्रतिबिंब इधर ही बना देता हूँ, तो दोस्तों दर्पण जिस साइड है, लेंस जिस साइड है दोस्तों, लेंस में वस्तु जिस साइड रखे थे उस साइड ही प्रतिबिंब बन जाएगा,
ठीक है। तो दोस्तों लेंस के पहले तरफ प्रतिबिंब बन गया, चलिए हमारा कंप्लीट हो गया। अब एक खास फैक्ट आप याद रखिएगा, दर्पण में क्या होता है दोस्तों, दर्पण में जिस वस्तु जिस तरफ रखें अगर उधर ही प्रतिबिंब बना तो वास्तविक होगा, अगर दर्पण के दूसरी साइड बना जिस साइड वस्तु है अगर उसके दूसरी साइड बना दोस्तों तो काल्पनिक प्रतिबिंब होगा, लेकिन लेंस में जिस साइड वस्तु रखे अगर दूसरी साइड प्रतिबिंब बन रहा है इसका मतलब वास्तविक है। तो आपको मैंने बताया दोस्तों वस्तु मैंने इधर रखा प्रतिबिंब इधर बना, इसका मतलब उत्तल लेंस में दोस्तों हर स्थिति में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन एक स्थिति में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। मैंने बताया ना दोस्तों जब एफ वन और ओ के बीच में वस्तु रखेंगे तो फोटो इधर ही बन जाएगा, मैं ये सोचेगा कि वो अपने तरफ की फोटो बना देते हैं क्योंकि उधर तो जगह नहीं है, ठीक है, तो इधर फोटो बनाएगा दोस्तों। तो एक स्थिति में जब एफ वन और ओ के बीच में रहे वस्तु तब दोस्तों लेंस के पहले तरफ फोटो बनता है दोस्तों, यही प्रतिबिंब दोस्तों काल्पनिक होता है, बाकी सब वास्तविक होता है। और काल्पनिक होता है दोस्तों तो जानते हैं फोटो जो होता है बहुत बड़ा होता है, इसे विशालकाय एवं आवर्धित प्रतिबिंब कहते हैं। आ रहा दोस्तों समझ में? अब देखिए दोस्तों कौन प्रतिबिंब कितना साइज का होता है उसकी मैं ठीक बताता हूँ दोस्तों। मैंने जैसे अब तक दर्पण पढ़ाया था दोस्तों, छोटा हमेशा दूर है, ये बहुत छोटा, छोटा, बराबर, थोड़ा बड़ा, बहुत बड़ा, सबसे बड़ा, बहुत छोटा, छोटा, बराबर, थोड़ा बड़ा, बहुत बड़ा, सबसे बड़ा, विशालकाय। चलिए देखिए बहुत छोटा, ठीक है, और मतलब बहुत छोटा और मतलब उसके बाद यहाँ क्या होगा दोस्तों, छोटा मतलब बहुत छोटा, छोटा, फिर दोस्तों बराबर, फिर थोड़ा बड़ा, फिर अधिक बड़ा, फिर विशालकाय आवर्धक। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बराबर कब बनता है, तो मैंने बताया था ना दोस्तों कि 12F1 और 12F2 के बीच में जब 12F1 और 12F2 पर हो तो 12F1 और 12F2 पर हो तो दोस्तों बराबर प्रतिबिंब बनेगा, तो बराबर बन गया कंप्लीट दोस्तों। और यहाँ भी मैंने बताया था विशालकाय। अब याद रखिएगा दोस्तों जो एक नंबर से लेकर जो चार नंबर तक है, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर तक है दोस्तों, वो हमेशा प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, और एक स्थिति में क्या बनता है दोस्तों काल्पनिक। आ रहा है दोस्तों समझ में? थोड़ा समय यूज किया कीजिएगा और सोचिएगा दोस्तों। अब उसके बाद वास्तविक प्रतिबिंब जितने होते हैं दोस्तों सभी उल्टा होते हैं, तो दोस्तों इसका मतलब ये सारा प्रतिबिंब क्या बना होगा दोस्तों, उल्टा। उल्टा मतलब दोस्तों नीचे की दिशा में बनोगे, नीचे की दिशा में मतलब उल्टा, मतलब उल्टा नीचे की तरफ दर्शाया जाता है, ठीक है दोस्तों, उल्टा प्रतिबिंब। आ रहा है दोस्तों समझ में? चलिए उत्तर से हमारा कंप्लीट हो गया, ऐसे ही प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, इससे ज्यादा सवाल होता ही नहीं तो बताओ क्या, ठीक है। अब मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों अवतल पर, तो अवतल आप लिख के थोड़ा सा याद कर लीजिएगा दोस्तों। अवतल की मैं बात करूँ, अवतल में ज़्यादा प्रतिबिंब बनता नहीं है, अवतल में दो ही फैक्ट जानना है दोस्तों। जैसे अवतल है ये प्रकाशीय केंद्र है दोस्तों, इसमें भी एफ है और इसमें भी एफ है, इसमें भी एफ है दोस्तों, इसमें भी एफ है, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2। अरे दोस्तों समझें, इधर भी दोस्तों अनंत है और इधर भी दोस्तों अनंत है, इसमें क्या है दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं आपके लिए, लेकिन खास बात आपको थोड़ा सा बस याद रखना होगा इसमें दोस्तों। इसमें जो दो ही स्थिति में प्रतिबिंब पूछा जाता है और दो स्थिति में ज़्यादा अच्छा प्रतिबिंब बनता भी है, एक अनंत पर और एक अनंत एफ वन और एफ वन के बीच में दोस्तों। अनंत पर रखेंगे दोस्तों तो पता है, जब अनंत पर वस्तु रखेंगे अनंत पर तो याद रखिएगा इसका प्रतिबिंब यही साइड में बनता है, तो अनंत पर रखेंगे दोस्तों तो एफ वन पर बनेगा, तो अनंत पर रखेंगे दोस्तों तो एफ वन पर फोकस पर बनेगा। उसके बाद दोस्तों अगला जो वस्तु रखा जाता है 2F1 और F1 के बीच में रखा जाता है, तो 2F1 और F1 के बीच में रखेंगे दोस्तों, 2F1 F1 के बीच में रखेंगे, तो देखिए ना दोस्तों ये प्रतिबिंब ही आधा भागेगा दोस्तों, क्योंकि मैंने ये भगाया ज़्यादा, ये आधा भागेगा F1 और O के बीच में, F1 और O के बीच में। इसको दोस्तों लिख लिख के याद कर दिए थोड़ा सा, अनंत पर तो F पर, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे दोस्तों, अनंत AP याद रखेगा, अनंत F F, अनंत पर दोस्तों तो F में, F पर मतलब मुख्य फोकस पर, किस में, अवतल लेंस में, अवतल लेंस में। और दोस्तों 2F1 और F1 पर, 2F1 और F1 पर, तो F1 और O पर, O के बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में। इसको दोस्तों याद कर लीजिए, ऐसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा कोई खास ट्रिक नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। और पूछा आज तक नहीं गया इतिहास का, आज तक नहीं पूछा गया, इसी सवाल पूछा गया, लेकिन दोस्तों इसी सवाल नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी मैं मतलब आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि नहीं आएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट भी है, इसे तो मैं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों इसको पढ़ लीजिए, ये सवाल पूछा गया, ये सवाल नहीं पूछा गया, इसको लिख लीजिए आप दो बार तीन बार याद कर लीजिए प्लीज दोस्तों। अनंत पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा, एफ पर, देख लीजिए एक बार, कोशिश कर लीजिएगा, अनंत पर रखेंगे दोस्तों तो एफ पर बनेगा। और दोस्तों अगला पोजीशन क्या है, बस पोजीशन आपको याद रखना है, 2F1 और एफ पर दोस्तों, तो एफ वन इसमें तो एक जाएगा ही, एफ वन और ओ के बीच में, एफ वन और ओ के बीच में, एक बार देख लीजिएगा प्रैक्टिस करके दोस्तों, कहाँ रखेंगे अनंत पर तो कहाँ बनेगा दोस्तों, एफ पर, और अगला कहाँ रखेंगे 2F2 1 के बीच में दोस्तों, तो एफ वन और ओ के बीच में, एक डायग्राम में कर लीजिए यूज, काम खत्म दोस्तों। ये था हमारा प्रतिबिंब और मैंने पूरा क्लियर कर दिया दोस्तों, ठीक है। प्रतिबिंब एक बार आप लोग दोहरा जरूर लीजिएगा, थोड़ा सा हार्ड टॉपिक है, थोड़ा सा फास्ट टॉपिक है, और आज थोड़ा सा बोलने में भी मैं बोल रहा हूँ जबरदस्ती,
चलिए दोस्तों, अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और दोस्तों उसके लिए मैं थोड़ा सा एक मिनट का ब्रेक चाहूँगा, क्योंकि उस टॉपिक में दोस्तों बहुत ज़्यादा बोलना है और बहुत मज़ेदार भी है दोस्तों। मज़ेदार इसलिए दोस्तों क्योंकि पूछा बहुत ज़्यादा है, और जो ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों वही टॉपिक मज़ेदार होता है। इसलिए एक मिनट दोस्तों मैं बात करूँ लेंस की क्षमता के बारे में। लेंस की क्षमता क्या होता है दोस्तों, याद रखिए मैं बता रहा हूँ पूरा डिटेल में, पूरा अच्छे तरीके से बता रहा हूँ दोस्तों। लेंस है तो लेंस की एक फोकस दूरी होती है जिसे एफ सूचित किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों फॉर्मूला होता है कि लेंस की क्षमता को पी सूचित किया जाता है, पी बड़ा फॉर्मूला होता है एक बटा एफ, एफ का मान हमेशा दोस्तों मीटर में होना चाहिए, ठीक है। तो लेंस की क्षमता किसे कहते हैं दोस्तों, तो फोकस दूरी, एफ मतलब फोकस दूरी, फोकस दूरी की व्युत्क्रम को दोस्तों चार का उल्टा होता है एक बटा चार, मतलब चार के व्युत्क्रम को चार कहते हैं, ठीक है। मतलब इस अनुसार से देखा जाए तो सही नहीं है, ठीक है दोस्तों। रात बराबर का मैथमेटिकल फॉर्म से लिखा जाता है दोस्तों, रात बराबर हो जाएगा एक बटा रात, मतलब रात का उल्टा एक बटा रात, मतलब दिन, ठीक है दोस्तों। तो इसका अगर इस हिसाब से देखा जाए दोस्तों, तो शक्ति किसे कहते हैं, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, तो फोकस दूरी की व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे पी से सूचित किया जाता है, जहाँ पी बराबर एक बटा एफ, एफ का मान क्या होना चाहिए दोस्तों, मीटर में। आया दोस्तों समझ में। अब दो चीज़ दो लेंस है, लेंस दो प्रकार के मुख्य होते हैं, एक होते हैं दोस्तों उत्तल लेंस और एक होते हैं दोस्तों अवतल लेंस। अवतल लेंस मैं फिर बताना चाहूँगा, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं दोस्तों, अभिसारी लेंस, और अवतल लेंस को अपसारी लेंस। दोस्तों उत्तल लेंस का जो क्षमता होता है दोस्तों प्लस में होता है, और अवतल लेंस का क्षमता दोस्तों माइनस में होता है, ठीक है। अगर आप लोग दोस्तों मैथ पढ़े होंगे तो आपको पता होगा पी बराबर फॉर्मूला है एक बटा एफ, इसका मतलब दोस्तों पावर और फोकस दूरी में कैसा संबंध है, उल्टा समानुपाती का संबंध है। उल्टा समानुपाती का संबंध दोस्तों ऐसे समझ सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए अभी टमाटर है, टमाटर का दाम दोस्तों बढ़ रहा है, टमाटर और दोस्तों दाम, एक एग्जांपल दे रहा हूँ समझने के लिए दोस्तों, टमाटर और प्लस दाम दोस्तों सोच लीजिए, अगर टमाटर दोस्तों 40 रुपये के जी हो जाए, 40 रुपये हो जाए, अभी मान लीजिए दोस्तों 50 रुपये हो जाए, तो आप क्या कीजिएगा दोस्तों, 1 के जी खरीदिएगा, ठीक है आप खाने के शौकीन है तो। अगर दोस्तों मान लीजिए 30 रुपये हो जाए तो आप क्या कीजिएगा दोस्तों, 2 के जी खरीदिएगा, थोड़ा सा सस्ता हो गया। अगर मान लीजिए जो मतलब माइनस में होंगे आदमी, वो सोचेंगे हम नहीं खरीदेंगे, क्यों खरीदेंगे, हम खाते नहीं हैं दोस्तों। मान लीजिए खरीदना है, मान लीजिए 20 रुपये हो जाए तो आप 3 के जी खरीदिएगा, मान लीजिए 10 रुपये हो जाए तो आप क्या कीजिएगा, 1 के जी खरीदिएगा, सॉरी 4 के जी खरीदिएगा, ज़्यादा खरीदिएगा क्योंकि सस्ता हो गया। मान लीजिए और सस्ता हो गया, 5 रुपये हो गया, 5 रुपये हो गया तो क्या खरीदेगा दोस्तों, 5 के जी खरीदेगा मान लीजिए, और दोस्तों और सस्ता हो गया 4 रुपये हो गया तो और 6 के जी खरीदेगा। मान लीजिए 4 के जी, 4 रुपये से और सस्ता हो गया 3 रुपये हो गया तो और खरीदेगा, 7 रुपये 7 के जी खरीदेगा, और सस्ता 1 रुपया हो गया, 1 रुपया हो गया दोस्तों 10 के जी खरीदेगा, और सस्ता हो गया फ्री में दे दिया तो पूरा ले लीजिएगा, पूरा लीजिएगा ना फ्री में दोस्तों, ऐसा होता है। अब इसमें हम समझेंगे क्या दोस्तों, देखिए 50 से 30 हुआ, 30 से 20 हुआ, 20 से 10 हुआ, 10 से 10 से दोस्तों देखिए 10 से 4 रुपया हुआ, 3 रुपया, 2 रुपया फ्री, मतलब दाम जो है दोस्तों टमाटर का जो दाम है, टमाटर का दाम है दोस्तों घटते आ रहा है, और मात्रा दोस्तों 1 केजी, 2 केजी, 5 केजी, 4 केजी, 6 केजी, 7 केजी, 10 केजी बढ़ते जा रहा है दोस्तों। इसका मतलब दोस्तों उल्टा हो रहा है, दाम घट रही है तो मात्रा बढ़ा रहे हैं, उल्टा हो रहा है दोस्तों, तो ऐसा संबंध में उल्टा समानुपाती का संबंध होता है। अब इसको मैथमेटिकली फॉर्म में लिखने के लिए कहा जाए दोस्तों तो ऐसे लिखेंगे, टमाटर समानुपाती उल्टा है ना तो 1 बटा दाम, मतलब दाम बढ़ेगा तो हम कम खरीदेंगे, कम ज़्यादा मतलब दाम घटेगा तो दोस्तों ज़्यादा खरीदेंगे, उल्टा हो रहा है। आ रहा समझ में दोस्तों, वैसा ही दोस्तों लेंस की क्षमता में हो रहा है। कैसे हो रहा है दोस्तों, तो फॉर्मूला ही है दोस्तों, फॉर्मूला क्या है दोस्तों, पी बराबर 1 बटा एफ, इसका मतलब दोस्तों एफ बढ़ेगा तो पी घटेगा, पी बढ़ेगा तो एफ घटेगा, उल्टा होगा। अरे दोस्तों समझ, उल्टा समानुपाती का ये रूल है दोस्तों। चलिए अब एक बात, अब मैं बात करता हूँ दोस्तों लेंस की क्षमता के बारे में। तो लेंस की क्षमता का अगर मात्रक आपसे पूछा जाए कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, ऐसे याद रखिएगा, उत्तल लेंस का क्षमता प्लस में होता है, अवतल लेंस का क्षमता माइनस में होता है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब इसकी मात्रक पूछा जाए तो फॉर्मूला क्या है दोस्तों, p = 1/f, तो दोस्तों पी बराबर एक बटा और एफ को दोस्तों एफ एक प्रकार का फोकस दूरी है, फोकस दूरी लंबाई होती है, लंबाई का मतलब मीटर, तो मीटर, तो 1 बटा मीटर, इसे लिखिएगा मीटर इन्वर्स। अब मीटर इन्वर्स दोस्तों, मीटर इन्वर्स को कहा जाता है डायोप्टर, मीटर इन्वर्स को कहा जाता है दोस्तों डायोप्टर। अडैप्टर को कैसे स्विच किया जाता है, अडैप्टर को किसे स्विच किया जाता है, डी से, ठीक है। और दोस्तों अगर उत्तल लेंस का हो तो प्लस लिखा जाएगा, और अवतल लेंस का हो दोस्तों तो माइनस भी लिखा जाएगा। कंप्लीट क्षमता हो गया, याद रखिएगा लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है दोस्तों, डायोप्टर। अब लेंस की क्षमता जो होती है, ये तो कंप्लीट हो गया, लेंस की जो क्षमता होती है दोस्तों ये हमेशा, अगर लेंस की क्षमता को आपको घटाना है दोस्तों तो आप हमेशा घटा सकते हैं। कब घटा सकते हैं दोस्तों, तो लेंस की क्षमता लीजिए, उसको पानी में रखिए,
लेंस को लीजिए और उसको पानी में रखिए, तो पानी में रखने के बाद तो दोस्तों उसकी क्षमता हमेशा घटते जाएगी। अगर लेंस की क्षमता बढ़ाना है तो बढ़ाने का एक ही रूल है दोस्तों, दो लेंस लीजिए और दोनों लेंस को दोस्तों जोड़ के एक बड़ा लेंस बना दीजिए। तो दोस्तों इसे कहा जाता है संयोत्तर लेंस, और संयोत्तर लेंस का मान क्षमता हमेशा दोस्तों बढ़ता है। इस लेंस का क्षमता प्लस इस लेंस का क्षमता P1 प्लस P2 का लेंस की क्षमता को प्रतिस्थापित करते हैं बराबर P3, दोनों क्षमता का जुड़ गया तो क्षमता मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर लेंस की क्षमता आपको घटाना है तो लेंस की क्षमता हमेशा घटेगा कहाँ दोस्तों, उसको पानी में रख दीजिए। तो पानी में रखने के बाद दोस्तों तीन केस प्राप्त होते हैं। अब मैं जो बात कर रहा हूँ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इस पर नोटिस कीजिए अच्छे से और थोड़ा सा और एनर्जी बढ़ाइए। हमको लगता है आप लोग फिर साथ होंगे, एनर्जी बढ़ाइए। चलिए देख रहा हूँ कहाँ कहाँ रख सकते हैं लेंस को। लेंस को दोस्तों रख सकते हैं कहाँ, जल में रखना है। जल में रखेंगे दोस्तों तो तीन केस प्राप्त होता है, पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस। पहला केस ये प्राप्त होता है दोस्तों कि या तो जल का जो अपवर्तनांक होगा कम होगा। अपवर्तनांक समझते हैं, अपवर्तनांक का मतलब होता है कि दूसरे माध्यम प्रकाश की चाल पहले माध्यम प्रकाश की चाल बटा दूसरे माध्यम प्रकाश की चाल, उसे अपवर्तनांक कहते हैं। ऐसे समझिए जल का जो अपवर्तनांक होगा दोस्तों या तो कम होगा, किससे, लेंस से तुलना करना है लेंस से, क्योंकि लेंस में डूबा रहे हैं पानी में। तो दोस्तों लेंस की क्षमता को हमको घटाना है फिर बढ़ाना है। तो दोस्तों क्या होगा, मतलब कैसे केस प्राप्त होते हैं, तो तीन केस प्राप्त होते हैं ठीक है। एक ऐसा स्थिति आता है जब लेंस की क्षमता समाप्त हो जाती है, लेंस की क्षमता जीरो हो जाती है। दोस्तों सब पर मैं चर्चा कर रहा हूँ, अगर लेंस को हम पानी में डुबाएंगे दोस्तों तो तीन केस प्राप्त होगा। क्या क्या केस प्राप्त होगा, तो ये प्राप्त होगा दोस्तों केस कि लेंस से जो लेंस का अपवर्तनांक होगा और जल का अपवर्तनांक होगा उसको तुलना कीजिए। किसका अपवर्तनांक, लेंस के जल से अपवर्तनांक से तुलना कीजिए। तो जो जल का अपवर्तनांक होगा दोस्तों या तो लेंस से कम होगा, नहीं तो लेंस के बराबर होगा, और नहीं तो लेंस से ज़्यादा होगा। आ रहा है दोस्तों समझ में, तीन केस प्राप्त होगा, या तो लेंस से कम होगा, लेंस तो लेंस के बराबर होगा, नहीं तो लेंस से ज़्यादा होगा। और एक बात और मैं बता दूँ आपको ट्रिकली बेच से दोस्तों, हमेशा हर हाल में जब लेंस को हम जल में मिलाएंगे दोस्तों, तो जल में मिलाने के बाद दोस्तों जल भी लेंस की तरह व्यवहार करता है। और दोस्तों जल भी लेंस की तरह व्यवहार करता है, तो जल है इसमें दोस्तों लेंस डालें तो लेंस भी लेंस की तरह व्यवहार और जल भी लेंस की तरह व्यवहार, तो दो लेंस होंगे, मतलब जल भी लेंस की तरह व्यवहार करता है। तो दोस्तों संयोत्तर लेंस यहाँ बन जाएगा, और संयोत्तर लेंस बनेगा दोस्तों तो उसका फोकस दूरी बढ़ जाएगा। यानी जल में डालने का मतलब है कम अपवर्तनांक को बराबर या फिर अधिक को कोई फर्क नहीं पड़ता है, जल में डालने का मतलब है कि उसका फोकस दूरी बढ़ेगा। इसका मतलब अगर लेंस को हम किसी जल में डालते हैं तो उसका अपवर्तनांक कम हो बराबर या अधिक हो कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, तीनों केस में फोकस दूरी क्या करेगा दोस्तों, बढ़ेगा। तीनों केस में फोकस दूरी क्या करेगा बढ़ेगा। आ रहा है समझ में, और तीनों केस में जब फोकस दूरी बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा ये तो डिपेंड करता है दोस्तों। तो याद रखिएगा अगर कम अपवर्तनांक वाला, अगर लेंस से जिस जल का अपवर्तनांक कम हो अगर उसमें जल डालते हैं दोस्तों तो फोकस दूरी होता है वो बढ़ता है, लेकिन थोड़ा सा बढ़ता है ठीक है। अगर लेंस को दोस्तों ज़्यादा अपवर्तनांक वाला में डालते हैं दोस्तों तो उसमें भी फोकस दूरी बढ़ता है, थोड़ा सा बढ़ता है ठीक है। लेकिन अगर बराबर अपवर्तनांक वाला लेंस में डाल दे, मतलब बराबर अपवर्तनांक वाला जल है, मतलब लेंस का अपवर्तनांक और जल का अपवर्तनांक दोनों बराबर हो दोस्तों उसमें डाल दे, इसको याद कर लीजिए अपवर्तनांक जो शब्द उसको याद कर लीजिए, लेंस का अपवर्तनांक और जल का अपवर्तनांक दोनों बराबर हो और दोनों को मिला दे दोस्तों तो उसका फोकस दूरी होती है बढ़ के दोस्तों अनंत हो जाती है। कितना हो जाता है दोस्तों, अनंत, याद हो गया। इस केस में क्या होता है दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लेंस की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया भी कि अगर आपको फोकस दूरी पता है दोस्तों तो लेंस की क्षमता निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, पी बराबर एक बटा एक, दिमाग लगाइए। तो देखिए दोस्तों हमको देखना है कि क्षमता बढ़ेगा कि घटेगा, तो क्या करना होगा दोस्तों, एफ पर ध्यान देना होगा। अगर एफ बढ़ेगा तो क्षमता घटेगा, अगर एफ घटेगा तो क्षमता बढ़ेगा, उल्टा होगा ना दोनों में, ए बढ़ेगा तो ए घटेगा, ए घटेगा तो ए बढ़ेगा। तो देखिए एफ क्या कर रहा है, अगर लेंस को हम कम अपवर्तनांक वाला जल में रखेंगे तो फोकस क्या कर रहा है दोस्तों, बढ़ेगा। मैंने बताया ना हर स्थिति में फोकस बढ़ता है, तो फोकस बढ़ेगा इसका मतलब ए बढ़ रहा है दोस्तों, तो क्षमता घटेगा, मतलब क्षमता वो, इसका मतलब क्षमता घटेगा ठीक है। यानी हर स्थिति में दोस्तों फोकस बढ़ता है तो हर स्थिति में क्षमता घटेगा, वो इसका मतलब इसमें भी क्षमता क्या करेगा दोस्तों, घटेगा। इसमें भी क्षमता क्या करेगा दोस्तों, घटेगा। घटना को माइनस स्वीकृत किए हैं। अरे दोस्तों समझ में, लेकिन एक बात करें, अच्छा यहाँ भी तो फोकस दूरी बढ़ेगा इसका मतलब यहाँ भी क्षमता घटेगा, लेकिन बीच वाला जो मैटर बताया था दोस्तों, मैंने बताया था कि यहाँ फोकस दूरी बढ़ेगा तो लेकिन कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। अब चलिए इस टॉपिक में बात करता हूँ, तो पी बराबर फॉर्मूला क्या है दोस्तों, एक बटा एफ, तो पी बराबर दोस्तों एक बटा, और एफ का मान क्या होगा दोस्तों, तो एफ का मान होगा अनंत, और अनंत का उल्टा पता है दोस्तों, एक बटा अनंत, अगर एक में अनंत से भाग दीजिएगा दोस्तों इसका मतलब जीरो, कुछ नहीं,
ठीक है। तो याद रखिएगा एक बटा अनंत का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, जीरो। इसका मतलब क्षमता कितना हो जाएगा, जीरो। पी मतलब क्षमता, तो क्षमता बराबर दोस्तों जीरो। तो अगर आपसे पूछे कि लेंस की क्षमता कब जीरो हो जाती है दोस्तों, कब, जब लेंस को समान, लेंस का जितना अपवर्तनांक है उसी अपवर्तनांक वाले जल में, सेम अपवर्तनांक वाले जल में लेंस को डुबाते हैं, तो वहाँ उसकी फोकस दूरी अनंत हो जाती है, उसकी क्षमता कितनी हो जाती है, जीरो। कंप्लीट हो गया पूरा बात दोस्तों, क्योंकि पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, अब मैं मेन फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों, तीनों टॉपिक में मैं चर्चा कर लिया, अब मैं थोड़ा सा और बात बता रहा हूँ दोस्तों। कब अपवर्तनांक बढ़ाओ दोस्तों, तो क्या होगा दोस्तों, मैंने बात किया कि देखिए, सबसे पहले मैं बारी बारी से फिर करता हूँ। लेंस लेता हूँ, लेंस को सबसे पहले डुबाता हूँ किस में दोस्तों, जिसका, जिस जल का अपवर्तनांक कम है। फिर लेंस को लिया, पहले जल कम अपवर्तनांक वाला जल में मिलाया दोस्तों, कि लेंस से जिस जल का अपवर्तनांक कम है मैंने उसमें मिलाया। मिलाने के बाद मैंने देखा दोस्तों कि उसका फोकस दूरी बढ़ गया, क्षमता उसका घट गया, उसके प्रकृति पर प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा दोस्तों। याद रखिएगा प्रकृति पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, जब कम अपवर्तनांक वाला जल मिलाएंगे दोस्तों तो प्रकृति पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रकृति मतलब दोस्तों जो लेंस रहेगा दोस्तों उसी लेंस के जैसा व्यवहार करेगा। उत्तल लेंस डुबाएंगे तो उत्तल लेंस जैसा व्यवहार करेगा, अवतल लेंस डुबाएंगे तो अवतल लेंस जैसा ही व्यवहार करेगा दोस्तों। अब करता हूँ मैं प्रयोग, तीन फैक्ट समझ में आया, तीन फैक्ट्स मैं बताया हूँ। पहला, कम जल वाला, कम अपवर्तनांक वाला जल में जब लेंस को डुबाते हैं तो उसका फोकस दूरी बढ़ता है, क्षमता घटता है, और उसके प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए पहला कंप्लीट। दूसरा, जब लेंस को हम उसके समान अपवर्तनांक वाले जल में मिलाते हैं तो दोस्तों उसकी फोकस दूरी अनंत हो जाती है, उसकी क्षमता जीरो हो जाती है, उसके प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, जब लेंस को किस में डुबाते हैं दोस्तों, अधिक अपवर्तनांक वाले जल में। तो अधिक अपवर्तनांक वाले जल में जैसे ही डालते हैं लेंस को, तो उसकी दोस्तों फोकस दूरी होती है वो बढ़ जाती है, और फोकस दूरी बढ़ती है तो दोस्तों क्षमता भी तो घट जाएगी, और क्षमता जैसे ही घटेगी तो यहाँ मेन फैक्ट्स क्या आता है दोस्तों, यहाँ क्षमता जो घटेगी दोस्तों, क्षमता घटने के बाद जो ज़्यादा अपवर्तनांक वाले जल में मिलाने पर दोस्तों, तीन बात होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं इस क्वेश्चन का चर्चा में क्यूज में कर चुका हूँ, रेसिसी में बहुत बार पूछा जा चुका है, और सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों आईएएस में इसे सवाल पूछा जा चुका है। क्या पूछा जा चुका है बता रहा हूँ दोस्तों, कि देखिए जब लेंस को किसी मिलाया जाए, ज़्यादा अपवर्तनांक वाले जल में मिलाया जाए, तो दोस्तों लेंस की प्रकृति बदल जाती है। अभी तक प्रकृति नहीं बदला था, लेकिन इसे प्रकृति बदल जाएगी। प्रकृति क्या बदलेगी दोस्तों, अगर आप इसमें आप उत्तल लेंस डालेंगे तो वो अवतल लेंस जैसा काम करेगा, अगर आप अवतल लेंस डालेंगे तो उत्तल लेंस जैसा काम करेगा। ठीक है दोस्तों, याद है मैंने यहाँ लिखा भी है, सब बात मैं पढ़ बताऊंगा। अब एक सवाल पूछ दिया जाता है कि साबुन का जो बुलबुला है वो किस लेंस जैसा व्यवहार करता है, तो साबुन का बुलबुला दोस्तों ऐसा होता है, यानी कैसा दिखाई देने लग रहा है दोस्तों, अवतल लेंस जैसा, उत्तल लेंस जैसा। तो उत्तल लेंस है उसका मतलब पानी में है, तो कैसा व्यवहार करेगा दोस्तों, अवतल लेंस जैसा, उल्टा व्यवहार करता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि समान अपवर्तनांक वाले जल में किसी लेंस को डुबाया जाता है, और दोस्तों डुबाने के बाद कुछ उत्तल लेंस को डुबाया गया है, तो वो कैसे व्यवहार करेगा दोस्तों, अवतल लेंस जैसा, याद रखिएगा। मेन फैक्ट कंप्लीट हो गया हमारा पूरा। एक सवाल और पूछ दिया जाता है दोस्तों, कि लेंस को जल में कब डुबाते हैं तो लेंस दिखाई देना बंद हो जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, जब लेंस को हम समान अपवर्तनांक वाले, जिसमें दोस्तों लेंस की क्षमता तो जीरो हो गई, समाप्त हो गई, तो दोस्तों इसमें जब जल के अपवर्तनांक बराबर हो लेंस के अपवर्तनांक के दोस्तों, उसमें जब लेंस को डुबाते हैं तो दिखाई देना बंद हो जाता है। समझ में आ रहा है दोस्तों, मैं पूरा क्लियर कर दिया हूँ दोस्तों। प्लीज़ अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो तो दोस्तों वीडियो को फिर से देखें अच्छे तरीके से, और नोट्स बना बना कर देखें, थोड़ा देर में मैं दोस्तों नोट्स भी अवेलेबल करा दूंगा। और दोस्तों इसके बाद मैं पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों, इस लेसन को आज मैं खत्म कर दूंगा एक वीडियो और अपलोड करके। इस लेसन के बाद जो मैं पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों, वो पढ़ाने वाला हूँ रेडियो सक्रियता। जितने भी आपके सहयोगी हो, जितने लोग जुड़े हो, जो बीसीएस का एग्जाम देने वाले हैं, एसएससी का एग्जाम देने वाले हैं, उनको सतर्क कर दें, क्योंकि दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है रेडियो सक्रियता। पूरा डिप्स में बताऊंगा जैसे इस लेसन को बता रहा हूँ। और दोस्तों प्लीज़ याद रखें, साबुन का बुलबुला हो या फिर जलीय वायु का बुलबुला हो, कैसे व्यवहार करेगा दोस्तों, अवतल लेंस जैसा। इस बात को अच्छे से याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। और मैं विदा लेता हूँ, जय हिंद जय भारत।